हरे हरे पत्तों के बीच ये सुर्ख सेब हाई डेंसिटी प्लांटेशन का नतीजा है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा जिले की हैं। यहाँ पर प्रदेश का बागवानी विभाग सेब और हेजलनट के हाई डेंसिटी प्लांटेशन को बढ़ावा दे रहा है। इसके जरिए किसान कम लागत में ज्यादा उत्पादन हासिल कर सकते हैं। कम एक तो कम जमीन में, लेकिन प्रोडक्शन हमें इनकम ज्यादा होनी चाहिए, प्रोडक्शन ज्यादा होनी चाहिए और क्वालिटी फ्रूट होना चाहिए। तो जो हमने ये हॉलैंड से मंगाए पौधे, इनकी प्रोडक्शन कम से कम 40 से 80 मीट्रिक टन यहाँ पर है। तो जो हमने हेजलनट भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, हेजलनट इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत है और इसकी इनकम भी बहुत ज्यादा है। बागवानी विभाग के मुताबिक एक हेक्टेयर में सामान्य सेब के जहाँ 250 पौधे लगते हैं, वहीं इस पर हाई डेंसिटी के 3,333 प्लांट्स लगाए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, ये पौधे पहले ही साल में फल देने लगते हैं, जबकि सामान्य पौधों में फल आने में 3 साल से ज्यादा का वक्त लग जाता है। स्थानीय बागवान अच्छे उत्पादन की बात से सहमत हैं, लेकिन वो इसके साथ सेबों को सही बाजार दिलाने की भी मांग कर रहे हैं। यहाँ तक मैंने इसका ये तजुर्बा किया है, इसको बहुत लागत भी लगता है, लेकिन बाद में जो उसको प्रोडक्शन निकलता है वो उससे भी ज्यादा निकलता है। लेकिन जो ये मार्केटिंग है ना, मार्केटिंग, इसको जब मार्केटिंग है नहीं तो क्या फायदा, ये इससे फायदा वो फायदा हासिल नहीं होता है। तो ये थोड़ी सी गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी वगैरह हो तो ये प्राइवेट लोग अच्छा काम कर सकते हैं इसमें। अगर सब्सिडी नहीं होगी, क्योंकि इसमें बेनिफिट बहुत कम मिलता है हमें, इसीलिए सब्सिडी जी सर, इसी सब्सिडी मिलती है। तो फ्रूट तो बहुत अच्छा है ये, अलबत्ता एक खर्चा बहुत इसका आता है। अब इसकी मार्केट जो है वो मार्केट इसकी यहाँ पे वो नहीं मिल रही है। हम यहाँ से इस चीज को बनाने में हमने मेहनत करनी है, इसको बनाना है, तैयार करना है। नो डाउट गवर्नमेंट ने हमारे कोल्ड स्टोर जहाँ पे रखे, बट जो इसमें मार्केट है ना, मार्केट बिल्कुल डाउन होता है। अब जो नौजवान तबका है, बेरोजगार है, उनको अकोमोडेट करने के लिए हमें सरकार से रेट्स अच्छे अगर मिलेंगे तो बिल्कुल लोग इस चीज को अच्छे से अपनी जो उनकी मेहनत है बिल्कुल इसमें लगा के दिलोजान काम करेंगे, अपना भी उनका रोजगार चलेगा। देश के कुल सेब उत्पादन में लगभग 71% हिस्सेदारी रखने वाले कश्मीर में हाई डेंसिटी प्लांटेशन के अच्छे नतीजे आ सकते हैं, लेकिन यहाँ के बागवान तभी खुशहाल बन पाएंगे जब उन्हें अपने सेबों का सही दाम मिलना शुरू हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।